विवेकानंद ध्यान करने को बैठे थे, एक दो बंदर भी उनके पास आकर बैठ गए। उन बंदरों को देखकर बंदरों का झुंड भी उनके आसपास आ गया। विवेकानंद थोड़ा सहम गए। उठ गए, भागने लगे, बंदरों का झुंड भी उनके पीछे भागने लगा। आसपास के और बंदर इकट्ठा हो गए। आखिर विवेकानंद को सूझा, वो रुक गए, बंदर भी ठिठक गए। विवेकानंद ने पीछे पलट कर उनको देखा। वो खड़े खड़े उनके इस एक्शन का लाजवाब उत्तर नहीं समझ सके और अपने अपने रास्ते जाने लगे। विवेकानंद ने उनका पीछा किया और उनकी स्वयं की जो सहम थी वह जाती रही और अंततः वो इस भावना से पृथक आजाद हो गए।